मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। रालोद में पार्टी नेतृत्व के निर्णयों पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। मेरठ के पूर्व जिलाध्यक्ष राहुल देव ने आज कहा कि जयंत किस तरह की राजनीति कर रहे हैं समस्या परे है। सपा से गठबंधन भी बिना आपसी सलाह मशवरा किया गया, अगर विचार विमर्श कर कोई निर्णय लिया जाता तो सीन कुछ और ही होता। पार्टी के तमाम ऐसे लोगों को बेहद निराशा मिली है जिनकी उम्र निकल गई है, पैसा भी खर्च किया लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। राहुल देव ने कुछ सवाल करते हुए रालोद सुप्रीमो को पत्र लिखा है, उसके जवाब के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। आइए देखते हैं क्या कहा है मीडिया से राहुल देव ने। मेरा नाम राहुल देव प्रमुख है जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल और युवा का भी मैं राष्ट्रीय महासचिव लोकदल का, इसमें मैं रहा हूँ। बुलंदशहर का मैं अपना पंचायत चुनाव का प्रभारी भी था। हमारे तो सरना से मांग रहे थे ठीक, पर नहीं नहीं हमारा ऐसा कोई, देखो हम जो जुड़े हुए थे, हमारा परिवार 3 पीढ़ियों से लोकदल से जुड़ा हुआ रहा, तो हमारा पॉलिटिकल से ज़्यादा पर्सनल अटैचमेंट इस परिवार से था। हम चाहते थे भाई जैन जी इस्टेब्लिश हो और ये पार्टी इस्टेब्लिश हो, हमारा टिकटों का कभी ऐसा वो नहीं रहा। हमें पता भी ऐसी है कि भाई बस ये जो सीटें हैं कि कोई बात नहीं जाती आती, पर ये सभी के साथ ऐसा होगा। मुजफ्फरनगर में भी नहीं लड़ेंगे हम, मेरठ में एक भी सीट नहीं लड़ेंगे हम, और बुलंदशहर में मार्ट सीट भी मथुरा में नहीं लड़ेंगे, इस तरह का सभी सीट में। देखो सिंबल अलग चीज़ होता है, सिंबल एक अलग चीज़ है, और अब पार्टी में जो लगातार 10-20 साल से लोग काम करते हैं और जो खर्चा करते हैं वो लोग अलग चीज़ है। बात है कोई लोग उसमें घुमाना चाह रहे हैं कि भाई गुलाम जी का विरोध नहीं है ना मुस्लिम कैंडिडेट का, आप लोकदल के जो मांग रहे थे मजबूती कई साल से हैं, युवा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मांग रहे थे, वसीम राजा का करते कोई विरोध नहीं था, नदीम चौहान का आप करते कोई विरोध नहीं था, कुकब साहब के लड़के यहाँ लड़ना चाह रहे थे उनका करते, तो उसका विरोध नहीं है। ये है कैंडिडेट डिसीजन का, जो हमारे जो मजबूत जो हमारी मजबूत सीटें हैं और वहाँ 20-30 साल से वो तो 5-5 साल करके एक उम्र निकल जाती, कितने लोगों को मैं नाम क्यों लूँ, कितने लोगों की उम्र निकल गई कि भाई सिंबल मिलेगा टिकट मिलेगा। देखो हाँ विरोध मानी है भाई, मैंने तो खुल के बोल दी, अब कोई लोग नहीं बोल पा रहे, कुछ और सोच रहे हो भाई आगे टिकट मिलेगा या जैसे भी है ना, या भावना नहीं व्यक्त कर पा रहे वो तो वो जाने, पर यहाँ पे हमारे वोटरों में इस बात का सबका वो हुआ नहीं, अगर नहीं होता तो क्यों कहना पड़ रहा, उन्हें कहना पड़ रहा और फिर आएंगे वो फिर भी कहेंगे। देखो लगातार हमारे साथ इसमें लोग सब बात कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया, मेरा इसमें बिल्कुल मैंने अपना वो करा था, मेरे ये नहीं था कि मैं अपना सामूहिक सब इस्तीफे कराऊं वो कराऊं कि भाई सब मेरे से कहें भाई तुम जैन जी का पार्टी का नुकसान वो कर रहे हो, मैं तो चाह रहा था भाई मजबूत हों, पर मजबूत हो जब सही डिसीजन लेंगे जभी तो पार्टी और जैन जी मजबूत होंगे, जब इससे गलत डिसीजन लेंगे तो कैसे मजबूत होंगे। रणनीति मैंने आपको बताया, मैंने व्हाट्सअप करके जैन जी से सवाल पूछे हैं, 2 दिन में उनका मुझे जो आपसे भी जो मुख्य सवाल यही है कि जैन जी ऐसे जब माहौल सब बन के आया था हमारे फेवर में वो आया था, ऐसे आपने एक तो क्यों आपने वो कराया, पहली बात तो भाई पैक्ट भी आपने अपनी मर्जी से किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।